फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बता दे आपको कि किस्मत तो सिर्फ मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। और आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपकी ये मेहनत रंग जरूर लाएगी। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, अगर आप इन जो भी बाकी दिन बाकी है, थोड़े से दिनों में अगर थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं और रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको राजस्थान ग्रेड 3 में सिलेक्शन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेहनत करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, लगातार हमारे चैनल पे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की जाती हैं। हमारे एक व्यूअर्स ने लिखा था कि मैम जीके क्वेश्चंस के साथ कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आप हमें जरूर बताया कीजिए। तो बता दे दोस्तों आपको कि आज के इस वीडियो में राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित जो 20 क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते समय हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी, लाइक कि जो करंट में जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे प्रथम, तो करंट राज्यपाल कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त कौन है, इनको कब अपॉइंट किया गया, कुछ ऐसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, इन सब रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एंड होमवर्क क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों कि भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कब बने थे। एंड आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 22 जून 1977। हमारे बहुत से दोस्तों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताया था कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 22 जून 1977 को भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। तो देखिए दोस्तों, बता देते हैं आपको कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरा लाल शास्त्री। 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक जिनका ड्यूरेशन था, हीरा लाल शास्त्री जो है राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य के कौन है, और जो सही आंसर है वो है अशोक गहलोत। जी हाँ दोस्तों, अशोक गहलोत जी राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपना पदभार जो है 17 दिसंबर 2018 को ग्रहण किया है। 17 दिसंबर 2018 से वर्तमान दिनांक तक मुख्यमंत्री जो है वो है अशोक गहलोत जी। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब और कहां हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सन 1864 में माउंट आबू में राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद 1866 में अजमेर में तथा 1867 में ब्यावर में नामित मंडलों की स्थापना की गई थी, और 1869 में जयपुर में नगर पालिका की स्थापना की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था कब स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 1955 में राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था स्थापित की गई थी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बता देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, पाली और नागौर। पाली और नागौर जिले जो हैं वो राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो बात की गई है यहाँ पे राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में। तो आपको बता दे दोस्तों कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1900
29 अगस्त 1949 को की गई थी। कब की गई थी? 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत की गई थी। 72 वर्ष पहले राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में की गई थी, आपको बता दें। ओके दोस्तों, और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो थे वो थे श्री कमलाकांत वर्मा जी। ठीक है, कमलकांत वर्मा जी पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है। तो बता देते हैं आपको, मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं राजस्थान राज्य में। 7 मार्च 2000 आपको बता दें कि जो मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी हैं वो 7 मार्च 2022 से लेके और 20 जून 2022 तक जो है श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी जो है वो मुख्य न्यायाधीश के पद पे आसीन थे। और इसके बाद देखिए जो वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो SS शिंदे यानी कि संभाजी शिवाजी शिंदे, SS शिंदे जो है वो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल कलराज मिश्रा ने SS शिंदे यानी कि संभाजी शिवाजी शिंदे को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ 21 जून 2022 को दिलाई है। यानी कि 7 मार्च 2022 से 20 जून 2022 तक जो थे वो मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव थे और 21 जून से जो है वो है संभाजी शिवाजी शिंदे। ये यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर ने कब से विधिवत कार्य करना प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 31 जनवरी 1977 से राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर ने विधिवत कार्य करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 200। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, ये आपको पता है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे नरोत्तम जोशी जी। नरोत्तम जोशी राजस्थान में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सुमित्रा सिंह प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी राजस्थान में। तो साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो सीपी जोशी जी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व राज्य कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया। आप सभी को पता है राजस्थान एकीकरण एवं राजस्थान की राज व्यवस्था से रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट है उसकी लिंक हमने वीडियो में दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, जोधपुर में। पहले ही हमने आपको बता दिया है कि राजस्थान हाई कोर्ट यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में की गई थी, ये आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो 33 जिले हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। और इनको याद करने का सही तरीका हम आपको बता देते हैं कि आप सीक्वेंस में याद कीजिए, अल्फाबेटिकली याद कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। आई होप कि आपने रट लिया होगा, फिर भी एक बार आपको रिवाइज करते हुए चलते हैं। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाराम, भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, सॉरी बीच में एक छूट गया, जालौर, देन करौली, कोटा, देन नागौर, पाली, और इसके बाद देखिए जो है वो है प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर,
टोंक एवं उदयपुर टोटल 33 राज्य हैं राजस्थान जिले में, सॉरी राजस्थान राज्य में 33 जिले हैं, सॉरी। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन 7 अप्रैल 1949 को किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, हीरा लाल शास्त्री। राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन 7 अप्रैल 1949। जी हाँ दोस्तों, पहले ही हमने आपको बता दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि हीरा लाल शास्त्री जो है वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक। ये यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर 1994 ईस्वी में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान का गठन जो है संविधान के 73-74वें संशोधन 1992 के अनुसार जो है राजस्थान निर्वाचन आयोग जयपुर का गठन जुलाई 1994, जी हाँ दोस्तों जुलाई 1994 में किया गया था। और बता दें आपको, साथ ही साथ पता होना चाहिए दोस्तों कि राजस्थान निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त यानी कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो कौन थे? तो अमर सिंह राठौर को बनाया गया था फर्स्ट राज्य निर्वाचन आयुक्त। अमर सिंह राठौर को बनाया गया था जो कि मारवाड़ राज्य के प्रसिद्ध राजपूत थे। और पता होना चाहिए दोस्तों आपको कि वर्तमान में राजस्थान राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो डॉक्टर मधुकर गुप्ता वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के जो है आयुक्त है यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर 10। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर 25। तो दोस्तों कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी है सीरीज में, तो वीडियो को पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीच में भी हमने लिए हैं जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है ये पूछा जा रहा है। देखिए तो सभी को पता है घोड़ावड़, राजस्थान का राजकीय पक्षी है घोड़ावड़। राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा, चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी को राजस्थान के राजकीय वृक्ष के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा, रोहिड़ा राजस्थान का राजकीय पुष्प है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरा लाल शास्त्री। आप सभी को पता है हीरा लाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बात की जा रही है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, आप सभी को पता है। तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? करेंट से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं, इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो बताइए कि राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? और जो सही आंसर है वो है श्री कलराज मिश्रा, यानी कि राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री कलराज मिश्रा जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल हैं। वे पूर्व में राजस्थान के राज्यपाल एवं 16वीं लोकसभा में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री रह चुके हैं और ये 41वें राज्यपाल हैं राजस्थान राज्य के, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और बात की जा रही है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो सभी को पता है दोस्तों कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे कमलकांत वर्मा जी। कौन थे? कमलकांत वर्मा जी। एवं वर्तमान जो
मुख्य न्यायाधीश है, पहले ही हमने आपको बता दिया है वो कौन है, तो SS शिंदे। SS शिंदे जो है वो 22 जून 2022 से उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बात की जा रही है नरोत्तम जोशी जी की। नरोत्तम जोशी जी जो है राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान अध्यक्ष हैं CP जोशी। इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर 1967 में पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बता दे दोस्तों आपको कि 13 मार्च 1967 से लगाया गया था पहली बार राष्ट्रपति शासन, जो कि 26 अप्रैल 1967 तक चला, यानी कि लगभग 42 दिनों का ये राष्ट्रपति शासन सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन माना गया है। और अब तक चार बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर निम्नलिखित व्यवस्था लागू की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर पंचायती राज व्यवस्था। और दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि देश का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जहां पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी, तो आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान ही देश का वह राज्य है जहां सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। और कहां पे लागू की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।